किस्सा है बॉलीवुड के मशहूर विलन, स्टार विलन गुलशन ग्रोवर का। हाय दोस्तों, आई एम सनी कपूर। मैं बॉलीवुड में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग टीचर। दोस्तों, ये किस्सा तब का है जब मैं पहली बार मुंबई आया था। स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, कॉलेज में एडमिशन लिया नहीं था, शौक फिल्म लाइन का था। तो जो छुट्टी होती है रिजल्ट आने के बाद, उन छुट्टियों में मैं मुंबई आ गया। मैंने सोचा मुंबई जाके पता तो करें कि मुंबई कैसा है, क्या होता है वहाँ। और मुंबई में मेरा कोई अपना नहीं था, फिल्म लाइन में तो छोड़िए, बाहर की दुनिया में भी कोई मेरा अपना नहीं था मुंबई में। फिर भी फिल्म लाइन में काम करने का जो जोश था वो मुझे मुंबई में आया। मैंने ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में बैठ गया। किसी का कोई एड्रेस नहीं था, किसी को मैं जानता नहीं था। क्या करूँगा मुंबई में ये भी मुझे नहीं पता था। तभी मैंने ट्रेन में, स्टेशन पे ही ट्रेन में टाइम पास करने के लिए मैंने दो तीन मैगजीन खरीदी, मायापुरी, फिल्म करिया, मूवी जगत, इस तरह की मैगजीनें जो चलती थी उस समय, तो वो मैगजीन मैंने खरीद ली और मैं ट्रेन में उन्हें पढ़ता हुआ मुंबई आ रहा था। तो उस मूवी जगत मैगजीन में गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू छपा था। वो शायद उनका पहला इंटरव्यू था, छोटा सा इंटरव्यू छपा था। गुलशन ग्रोवर उस समय बड़े स्टार नहीं बने थे, उनकी सोनी महिवाल और सदमा वगैरह कोई फिल्म रिलीज नहीं थी। छोटे छोटे रोल में दो चार फिल्म में रॉकी वगैरह रिलीज हुई थी। वो अपनी पहचान बना ही रहे थे, बनी नहीं थी उनकी अच्छी तरह पहचान। उनका इंटरव्यू पढ़ा, फिर ब्रज गोपाल जी का दूसरी मैगजीन में इंटरव्यू था, उनका एड्रेस भी था और फ़ोन नंबर भी था। तो मैंने सब लिख लिया, फ़ोन नंबर और एड्रेस, और मुंबई आके मैंने सबसे पहले गुलशन ग्रोवर जी को फ़ोन किया। उस समय मोबाइल होते नहीं थे, उनके घर पे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे जूहू पे बुलाया। मैं जूहू पे उनके घर में पहुंचा तो मैंने बताया कि मैं भी फिल्म लाइन में आना चाहता हूँ। तो गुलशन ग्रोवर जी ने जो मुझे राय दी, जो मुझे समझ में भी आई और मैंने उस पर अमल भी किया, वो राय ये थी कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। अभी तो आपने स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज जाइए, पढ़िए जितना पढ़ सकते पढ़िए, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है। मुझे गुलशन ग्रोवर जी की ये बात समझ में आई और उसके बाद मैं और भी लोगों से मिला हालांकि, लेकिन गुलशन जी की ये राय जो थी मुझे समझ में आ गई और मैं भोपाल वापस चला गया। और जाते ही मैंने सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लिया, भोपाल में मैंने सेफिया कॉलेज में एडमिशन लिया, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी, मुंबई आया और अपना संघर्ष शुरू किया। इसी दौरान गुलशन ग्रोवर जी एक बार मुझे मेहंदी फिल्म की शूटिंग करते हुए आर के स्टूडियो में मिल गए। काफ़ी अरसा बीत चुका था तो मैंने सोचा गुलशन ग्रोवर जी तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन गुलशन ग्रोवर जी ने मुझे पहचान लिया और मुझसे कहा तुम वही हो ना जो मेरे घर आए थे, नाम भूल गए थे वो। मैंने कहा हाँ सर मैं वही हूँ। तो उन्होंने नाम पूछा, मैंने कहा नाम ये बोला, हाँ तुम मुझे अच्छी तरह याद आए थे, मैंने तुम्हें ये कहा था। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने अरसे बाद, इतने सालों बाद भी गुलशन ग्रोवर जी को सारी चीज़ें याद थी। उन्होंने बोला क्या कर रहे थे, मैंने कहा सर अभी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ सीरियल्स वगैरह शुरू करने वाला हूँ, फिल्म शुरू करने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और कहा कि लगे रहो, अगर मेहनत करोगे, फोकस रखोगे तो ज़रूर एक दिन कामयाब होगे। ये जो उनका पहचानना इतने सालों बाद और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैंने एक और चीज़ नोट करी है दोस्तों इस तरह की, कि ये जितने भी कामयाब लोग होते हैं, भले वो इंदिरा गांधी हो या अक्षय कुमार हो या दिलीप साहब हो या किसी भी फिल्म में हो, रतन टाटा जी हो या अनिल अंबानी जी हो, मैंने ये नोट किया है और ये सुना भी है, मैंने किताबों में भी पढ़ा है, कि अगर ऐसे लोग किसी से एक बार मिल ले तो उसे भूलते नहीं। अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आप उनसे मिलोगे तो उनको वो याद रहता है कि हाँ मैं आपसे मिला था। वो मुलाकात एक अच्छी मुलाकात होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हेलो हाय करा और 10 साल बाद याद रहे। एक मुलाकात होनी चाहिए जिसमें आपके विचार का आदान प्रदान हो। यही उस दिन भी हुआ था। गुलशन ग्रोवर जी को शायद कोई मेरी बात अच्छी लग गई होगी जिसकी वजह से उनके दिल दिमाग में मेरी याद रह गई। तो ये थी मेरी पहली मुलाकात गुलशन ग्रोवर जी से,
और बाकी और भी मेरे इस तरह के किस्से हैं जो फिल्म में मेरे साथ हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। इसलिए आप लोग मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, फिर कोई किस्सा लेके मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बाय।